शाह फैजल और इंजीनियर राशिद ने एक दूसरे का हाथ थाम कर एक नई पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम रखा गया है पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट। ये घोषणा आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सीनियर लीडर धोनी चंद को त्रिकोटा नगर बीजेपी हेडक्वार्टर में श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के मशहूर क्रिकेटर मिथुन मन्हास पहुंचे भदरवा। भदरवा पहुंच उन्होंने कई स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर अपने क्रिकेट के एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों को बताया। मिथुन मन्हास ने कहा कि वो भदरवा में क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे, जिससे यहां के बच्चों को क्रिकेट को अपना करियर बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। जब आप एक अकेडमी खोलेंगे, यहाँ पे अकेडमी खुलेगी और आप रोज वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेटर प्लेयर्स बनेंगे। जब आप बेटर प्लेयर्स बनेंगे और आप परफॉर्मेंस देंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। श्री हुदमाता त्रिसंध्या यात्रा 3 जुलाई से होने जा रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 25 जून से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। इंडियन आर्मी हर वक्त नागरिकों की सेवा के लिए तैयार रहती है। इसका उदाहरण मिला भदरवा में, जब चिंचौरा चिंता सड़क में गाड़ी की पार्किंग के दौरान गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने इंडियन आर्मी की ही मदद ली, क्योंकि वो जानते थे कि यदि प्रशासन से मदद मांगी जाए तो उसमें काफी वक्त लगेगा। कमांडिंग ऑफिसर डीडी पांडे ने उसी समय पूरी टीम और क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। हैरानी की बात यह है कि डोडा किश्तवाड़ में जहां आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन यहां क्रेन की सुविधा नहीं है। ऐसे में यहां के लोगों ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया, जो हर वक्त आवाम की सेवा के लिए तैयार रहती है। इंटरनेशनल योगा डे पर एडवोकेट चंद्र मोहन द्वारा कहा गया कि 21 जून को पूरे देश भर में योगा डे मनाया जा रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हक्कू स्टेडियम में सुबह 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें स्कूली बच्चे, पुलिस के वॉलंटियर्स के साथ साथ अन्य भी आ रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि जिन्होंने आज तक योगा नहीं किया है, वो जरूर इस कार्यक्रम में आए और इसके महत्व के बारे में जानकारी भी लें। भदरवा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भारी मात्रा में डॉक्टरों की कमी के चलते एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी ने सड़कें ब्लॉक कर दी। एनजीओ के चेयरमैन नसीर महबूब ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि यहां गायनेकोलॉजिस्ट की भी बहुत कमी है। आओ गांव चले के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि आओ गांव चले के प्रोग्राम में अच्छी तरह से सभी विभागों में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से लोगों के बीच जाकर लोगों की बातें सुने और उनकी मुश्किलों का हल करे। सोनमर्ग की खूबसूरत वादी में संपन्न हुआ कराटे कैंप। ये कैंप 3 दिन चला। महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों के चलते इस कैंप का मुख्य उद्देश्य था वुमेन सेल्फ डिफेंस। कुल मिलाकर 80 खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की। इस कैंप के मुख्य ट्रेनर थे उमेश राखी। पुंछ पुलिस और आर्मी द्वारा चलाए गए जॉइंट सर्च ऑपरेशन में गुरसाई नाला मेंडर से 6 पिस्तौलें, 1 AK-47 राइफल के साथ साथ कुछ और आपत्तिजनक सामान मिला है। सुरक्षा बलों का कहना है कि मिलिटेंट्स द्वारा ये असला किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छुपाया गया था। गांधरबल में सरपंचों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर पेश आ रही परेशानियां गवर्नर से हल करने की गुजारिश की। हमारी मांगे पूरी करो, ऑल डिपार्टमेंट गांधरबल, हाय हाय।